एमए राजनीति विज्ञान, एमए फाइनल राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र है 9th मानव अधिकार एवं कर्तव्य। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में हम, इसका जो अर्थ है विभिन्न विद्वानों ने जो अर्थ बताया है वो हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम स्वतंत्रता के जो दो प्रकार हैं, जो इसके अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं, दो रूप कह सकते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इन दोनों को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का ये अर्थ है कि हमें राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से बचाव के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जहां शाब्दिक अर्थ लें तो स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को हम स्वीकार नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इससे हमें एक ऐसा कार्यक्षेत्र प्रकट हो जहां हम दूसरों के अवरोधों से मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मानवीय संबंधों के कुछ अवरोध तो ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक हैं, इसलिए स्वतंत्रता का क्षेत्र कितना भी व्यापक हो, इस विषय में कोई आम सहमति नहीं हो पाती है जो स्वाभाविक है। विचारक इस बात पर अवश्य सहमत है कि स्वतंत्रता का क्षेत्र असीमित नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा असीमित नहीं हो सकता। यदि यह असीमित होगा तो समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा तो समाज में फिर कोई कानून व्यवस्था नहीं रहेगी। स्वतंत्र कार्य का क्षेत्र कानून द्वारा अवश्य ही प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक न्यूनतम क्षेत्र ऐसा भी होना चाहिए जिसका किसी भी स्थिति में अतिक्रमण न हो। इंग्लैंड में जॉन लॉक व जेम्स मिल तथा फ्रांस में कॉन्स्टेंट व टॉकविले ने इस मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने और दूसरे विचारकों ने, जिनमें सर आइजा बर्लिन के अनुसार हम कह सकते हैं स्वतंत्रता का मौलिक भाव है दूसरों की दासता, कैद और बंधनों से मुक्ति। अन्य समस्त भाव इसी भाव के विस्तार हैं या फिर से अलंकार मात्र हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि दूसरे व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे। 1789 की जो मानवीय अधिकार घोषणा की गई थी फ्रांस की क्रांति में, उसमें भी यही कहा गया है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे अन्य व्यक्तियों को आघात न पहुंचे। जेम्स मिल तथा अन्य विचारकों का यह विश्वास था कि जब तक व्यक्तियों को एक ऐसा क्षेत्र सुनिश्चित नहीं है, तब तक सभ्यता का विकास भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, मौलिकता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं हो सकती तथा वास्तविक नैतिक साहस प्रकट ही नहीं हो सकता। जेम्स मिल का तर्क था कि इस स्थिति में समाज सामूहिक सामान्य योग्यता वाले व्यक्तियों के बोझ तले कुचल जाएगा। सीले ने इसे अतिशासन की विरोधी माना है। मैकेंजी ने भी इसे इसी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था माना है। लास्की ने इसे उन सामान्य परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध नहीं होता जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार ये नकारात्मक स्वतंत्रता है जो कहता है कि मनुष्य पर प्रतिबंधों का अभाव हो। अब दूसरा अर्थ है इसका सकारात्मक स्वतंत्रता। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का सकारात्मक भाव व्यक्ति की उस इच्छा से उत्पन्न होता है जिसके अंतर्गत वह स्वयं अपना स्वामी होता है। इसका यह तात्पर्य है कि हम अपने स्वयं की इच्छा के साधक हैं, न कि अन्य व्यक्तियों की तत्संबंधी क्रियाओं के। जहां प्रतिबंधों के अभाव के रूप में किया गया है और इस परिभाषा ने स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को प्रकट किया है, किंतु जैसा कि गेटिल ने कहा है, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है वरन सकारात्मक स्वरूप भी है, गेटिल का मानना है ये। वही स्वतंत्रता या वास्तविक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बताते हुए टीएच ग्रीन ने लिखा है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का ही नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का ही नाम नहीं है। ग्रीन के अभिप्राय को लेखनीबद्ध करते हुए बारकर कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल इस सद्भाव के लिए ही स्वतंत्रता हो सकती है, ये केवल उन वस्तुओं की खोज में स्वतंत्रता है जो इस प्रकार की इच्छा स्वयं के सामने प्रस्तुत करती है। अतः ये प्रतिबंधों की नकारात्मक अनुपस्थिति नहीं है, जैसे कुरूपता का विपरीत रूप सुंदरता है, क्योंकि यह सद्भावना और केवल इसी भावना में निहित है। अतः यह मनमानी कार्य करने की शक्ति नहीं बल्कि उन कार्यों को करने की शक्ति है जो सद्भावना अपने समक्ष प्रस्तुत करती है।
मित्रों एक बार पुनः स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ कहता है, यह मनमानी कार्य करने की शक्ति नहीं बल्कि उन कार्यों को करने की शक्ति है जो सद्भावना अपने समक्ष प्रस्तुत करती है। संक्षेप में इसकी दो विशेषताएं हैं, एक तो है कार्य करने की स्वतंत्रता और दूसरा है बलपूर्वक किसी से कुछ कराने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कोई करना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्रता है और कोई नहीं करना चाहता है तो उससे जबरदस्ती नहीं कराया जाना ही स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है। सकारात्मक या वास्तविक स्वरूप को नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता बताते हुए आगे चलकर टीएच ग्रीन ही स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। यानी जो कार्य करने योग्य है या जो शक्ति का उपभोग करने योग्य है वो हम कर सकते हैं। लास्की कहते हैं, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। यानी व्यक्ति अपने जीवन को सर्वोत्तम विकसित करना चाहता है तो स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने का नाम है। लियो स्ट्रॉस ने कहा है कि मानव का मानव से ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह जैसा चाहे वैसा करे अथवा जो ठीक लगे उसे करने में पूरी तरह स्वतंत्र हो। अपने विवेक के कारण मानव के पास विकल्पों की इतनी व्यापकता है जो संसार के किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है। इस स्वतंत्रता की व्यापकता की भावना के साथ ये भावना जुड़ी हुई है कि स्वतंत्रता का परम एवं अप्रतिबंधित प्रयोग उचित नहीं है। मानव की स्वतंत्रता के साथ एक पवित्र भय अर्थात एक प्रकार का दैवी विचार जुड़ा है कि हर कार्य करने की अनुमति नहीं है, अतः प्रतिबंध उतना प्राकृतिक या आदिकालिक है जितनी स्वतंत्रता है। कहने का तात्पर्य लियो स्ट्रॉस का यही है कि हम स्वतंत्रता को व्यापक रूप में उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक भावना जो है देवी भावना भी साथ में देवी विचार भी जुड़ा हुआ है कि हर कार्य करने की अनुमति हमें नहीं है। यानी हम मानव वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जो उसके लिए उपयुक्त है और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अतः सकारात्मक रूप में स्वतंत्रता का अभिप्राय ऐसे वातावरण और परिस्थितियों से है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। इसके दो तत्व हैं। स्वतंत्रता का पहला तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। और स्वतंत्रता का दूसरा तर्क यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। और दूसरा है कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए राज्य और समाज के द्वारा। नकारात्मक दृष्टिकोण में जहां तक संभव हो मानव की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को पसंद नहीं किया जाता, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण सार्वजनिक हित के नाम पर मानव की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था का समर्थन करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा जाता है कि मानव की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि सार्वजनिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य कार्यों की स्वतंत्रता पर भले ही कुछ प्रतिबंध लगाए परंतु ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र को नुकसान करे। जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है स्वतंत्रता में वृद्धि ही होती है। एनपी एरी का कहना है कि पुराना पापी जानबूझकर बंदी गृह के जीवन की सुरक्षा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपराध कर सकता है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली उसकी स्थिति का उल्लेख स्वतंत्रता के रूप में करना मूर्खतापूर्ण होगा। यानी जेल में चाहे कोई कितना ही सुखपूर्वक रहे, बाहर निकल कर जो स्वतंत्रता उसको मिलती है वो स्वतंत्रता के लिए वापस जेल जाना पसंद नहीं करेगा। अंत में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जीवन की एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। एक बार पुनः, स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर कम से कम न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। तो ये था स्वतंत्रता का अर्थ, जिसमें नकारात्मक अर्थ भी हमने देखा और सकारात्मक अर्थ भी देखा है। धन्यवाद।